हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर पहले वीडियोस में अच्छी रीच मिलती थी, अच्छा इम्प्रेशन यूट्यूब की तरफ से भेजा जाता था तो व्यूज़ अच्छे आते थे, लेकिन अब यूट्यूब हमारी वीडियो का इम्प्रेशन ही नहीं भेज रहा है, रीच भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है तो हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि यूट्यूब आपकी वीडियोस का इम्प्रेशन भेजना या फिर आपके चैनल की रीच को क्यों कम कर रहा है? क्या आपने इन चीज़ पे कभी गौर किया है, इस बारे में कभी सोचा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आप इस चीज़ को एक बार समझ लेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ ए टू जी कॉन्टेंट में। अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम YouTube पे आते हैं, एक नया नया चैनल बनाते हैं, हमने पहली वीडियो अपलोड की, दूसरी वीडियो अपलोड की, तो YouTube क्या करता है, नए नए यूट्यूबर्स को YouTube भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो YouTube भी बहुत सारी ऑडियंस के सामने, 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने आपकी वीडियो का इम्प्रेशन भेजता है। अब ये इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन होता है कि आपने अपने वीडियो में जो थंबनेल बनाया है। जब भी हम यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखते हैं, यूट्यूब को हम ओपन करते हैं, तो देखिए बहुत सारे फोटोज थंबनेल्स हमें दिखाई देते हैं, उसे बोला जाता है इम्प्रेशन। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आप आखिरी तक ये भी समझ जाएंगे कि आप अपनी वीडियो का इम्प्रेशन भी कैसे बढ़ा सकते हैं अगर डाउन हो चुका है तो। समझ लीजिए 100 लोगों के सामने आपकी वीडियो का इम्प्रेशन जो है भेजा गया है। अब यहाँ पे यूट्यूब दो चीज़ें नोटिस करता है कि आपकी उस थंबनेल को देख के, फोटो को देख के या फिर इम्प्रेशन को देख के 100 लोगों में से कितने लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। ऐसा एक दो वीडियो के साथ ही नहीं, बहुत सारी वीडियोस के साथ YouTube ये काम करता है। इम्प्रेशन भेजने के बाद YouTube ये चीज़ नोटिस करता है कि कितने लोगों ने उस इम्प्रेशन पे क्लिक किया है। अगर आपकी उस फोटो के ऊपर, उस थंबनेल के ऊपर ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया है, तो ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं तो YouTube और ज़्यादा इम्प्रेशन भेजता है। पहले 100 लोगों के सामने भेजा था, अब यहाँ पे 200 लोग के सामने, 1000 लोगों के सामने, ज़्यादा लोगों के सामने YouTube इम्प्रेशन भेजता है। पर वहीं पे अगर उल्टा हो जाए कि उस इम्प्रेशन के ऊपर लोग क्लिक ही नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत कम लोग क्लिक कर रहे हैं, 10% लोगों ने भी उस इम्प्रेशन पे, उस थंबनेल पे क्लिक नहीं किया है, तो YouTube फिर धीरे धीरे इम्प्रेशन भेजना बंद कर देता है। क्योंकि YouTube को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर मैंने इतने लोगों के सामने फ़ोटो भेजी है, वीडियो को भेजा है, लेकिन लोग इस वीडियो पे, इस फोटो पे, इस इम्प्रेशन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये क्लियर हो जाता है कि लोगों को उस इम्प्रेशन में या फिर उस वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब YouTube के डाटा में ये फिट हो चुका है कि वीडियो पे क्लिक नहीं किया जा रहा है तो इम्प्रेशन भेज के कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है, जितने लोगों ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया है, मान लीजिए 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है और वीडियो को देख रहे हैं, तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ YouTube ये नोटिस करता है कि उस वीडियो को लोग कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर वीडियो को ओपन किया, ओपन करते ही आपकी 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन एक मिनट में ही आपकी वीडियो को वो छोड़ करके निकल जाते हैं, ऑडियंस बीच में ही वीडियो को छोड़ करके निकल जाती है, तब आपका व्यू ड्यूरेशन डाउन हो जाता है, मतलब आपका जो वॉच टाइम है धीरे धीरे डाउन होता है। और यूट्यूब ये समझता है कि भाई इस वीडियो में उतनी ज़्यादा कोई ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तभी तो 10 मिनट की वीडियो को वो एक मिनट में ही छोड़ के निकल जा रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ होती है, इन दो चीज़ों से YouTube ये पता लगाता है कि आपकी वीडियो को, आपकी वीडियो का इम्प्रेशन लोगों के सामने भेजना है या फिर नहीं भेजना है। तो अगर ये दो चीज़ें अच्छी होती है, एक इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट और दूसरा होता है व्यू ड्यूरेशन,
अगर ये दोनों चीज़ें आपकी वीडियो में अच्छी आती हैं तो यूट्यूब आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन भेजता है और चैनल की रीच ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यही दोनों चीज़ें डाउन हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये दो चीज़ें सुधारनी हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें डाउन हैं तो YouTube इम्प्रेशन नहीं भेजता है। आप खुद सोचिए कि YouTube ने तो इम्प्रेशन भेजा ही है लेकिन लोग क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी वीडियो में भी इम्प्रेशन नहीं जा रहा है, रीच डाउन हो गया है, क्लिक थ्रू रेट बिल्कुल डाउन हो गया है और वॉच टाइम भी डाउन हो रहा है, तो आप परेशान होने की बजाय अपने टॉपिक को बदल करके देखिए। हो सकता है जिस टॉपिक पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिस कंटेंट में आप काम कर रहे हैं, आपकी जो चैनल की कैटेगरी है, वो कैटेगरी, वो कंटेंट, वो टॉपिक, वो वीडियो आपकी ऑडियंस को अच्छी नहीं लग रही है या फिर यूट्यूब पे ऑडियंस को अच्छी नहीं लग रही है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप टॉपिक को बदल करके देखिए या फिर अपनी एडिटिंग की क्वालिटी को बदल करके देखिए। अगर आपका व्यू ड्यूरेशन अच्छा है लेकिन सिर्फ इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट डाउन है तो आप थंबनेल को बदल करके देखिए। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी शेयर की है आप लोगों के साथ कि YouTube खुद बताता है वायरल टॉपिक्स क्या है। अगर आपके चैनल की रीच डाउन हो गई है, इम्प्रेशन डाउन हो गया है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो निराश होने से, दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है। आपको अपने चैनल पे काम करने का तरीका बदलना होगा, नया कंटेंट ट्राई करिए, थंबनेल और अच्छा बनाइए और तभी कुछ ना कुछ पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि दुखी होने से कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।